हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन के साथ सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल बताऊंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है जिसमें मैंने नेम वाइज जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने का कलेक्शन अमाउंट रखा है। और मुझसे ये कहा जाता है कि यहाँ F2 सेल में मैं जो भी नेम डालूं, जो कि यहां पर से कोई एक नेम हो सकता है, तो जैसे ही मैं यहां पे नेम डालूं, उसका जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीने का कलेक्शन इन 3 सेल्स में आ जाए। तो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल्स वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में जो नेम मैं डालूंगा उसे मैं F3 सेल में रखूंगा, तो मैं यहां पे F3 सेल का एड्रेस डाल देता हूं, कॉमा। मेरा डेटा A1 से लेके D12 तक है, मैं ये रेंज डाल देता हूं, आप अपने केस में इसको ज्यादा या कम भी कर सकते हो, कॉमा। मुझे यहां पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये 3 महीने का सेल्स चाहिए, जो कि मेरे डेटा के हिसाब से दूसरे कॉमा, तीसरे कॉमा, चौथे कॉलम में है, जिसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में लिख रखा है, ठीक है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स लिख देता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो यहां पे अभी ये नॉट अवेलेबल दिख रहा है, चूंकि F3 सेल्स में कोई भी डेटा अभी मैंने नहीं लिखा है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं सोहन, सोहन लिख के मैं जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो सोहन का जो भी सेल्स है ये यहां पे आ गया, है ना। इसी ढंग से अगर मैं यहां पे सपोज सुनील लिखता हूं, ये देखो सुनील का सेल्स आ गया। तो इस ढंग से आप एक्सेल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ के उसके अगेंस्ट में मल्टीपल वैल्यूज को, जो कि अलग अलग सेल्स में रखे हुए हैं, आप उसको रिटर्न करवा सकते हो। इसी ढंग से एक सेकेंड अप्रोच है अब कि भाई आपको कहा जाता है कि यहां पे मैं जो भी नाम रखू, चलो मैंने दीपक रख, तो दीपक ने जो भी कलेक्शन किया है 3 महीने में वो अमाउंट यहां पे आना चाहिए टोटल होके। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं लगाता हूं यहां पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, जो मेरा जो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू है वो F3 में है, मैं F3 यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं सेल को, कॉमा। मेरा डेटा जो है वो A1 से D12 तक है, कॉमा। क्योंकि मुझे सम निकालना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीने का, जो कि दूसरे कॉमा, तीसरे कॉमा, चौथे फील्ड में है, कॉलम में है, तो कर्ली ब्रेसेस मैं इसे लिख देता हूं, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहां पे फॉल्स लिख देता हूं, ब्रैकेट बंद। ये पहला ब्रैकेट जो है भी लुकअप का बंद हुआ और सेकंड ब्रैकेट सम का बंद करता हूं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो दीपक का जो भी सेल्स अमाउंट है उसका सम यहां पे आ चुका है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाता है कि भाई यहां पे मैं जो भी नाम रखूं, सपोज मैंने सुनील रखा, यहां पे उसका एवरेज आना चाहिए, जो भी 3 महीने का सेल है उसका एवरेज, तो यहां मैं लिखता हूं इक्वल्स एवरेज ब्रैकेट ओपन भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वैल्यू जो है जिसे मुझे लुकअप करना है, फाइंड करना है, सर्च करना है, ढूंढना है, वो F3 में है, F3 को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा। मेरा डेटा A1 से लेके D12 तक है, कॉमा। कर्ली ब्रेसेस मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, कर्ली ब्रेसेस बंद, चूंकि मेरा जो कलेक्शन अमाउंट है वो दूसरे, तीसरे और चौथे कॉलम में है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स लिखता हूँ, पहला ब्रैकेट में बंद करता हूँ भी लुकअप का, दूसरा ब्रैकेट में बंद करता हूँ एवरेज का, इंटर। देखो यहाँ पे सुनील का एवरेज आ गया। अभी आप ऐसा करो सुशीला का एवरेज निकालो, यहाँ पे F3 सेल का मैं मॉडिफाई करता हूँ वैल्यू को, सुनील से मैंने सुशीला किया, देखो यहाँ पे एवरेज आ गया। तो इस तरह से आप वी लुकअप फंक्शन को मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। वी लुकअप के साथ आप इस ढंग से कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक जगह पे सम फंक्शन यूज किया है, दूसरी जगह पे मैंने एवरेज फंक्शन यूज किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।